हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बायोटिक की आई क्रीम का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। एंड ये इसकी आउटर पैकेजिंग है एंड ये है इसका बॉक्स जिसमें ये क्रीम आती है दोस्तों। एंड ये कुछ इस तरीके से आती है। एंड दोस्तों, ये है बायोटिक आयुर्वेदिक आयुर्वेदा बायो आलमंड सूथिंग एंड नरिशिंग आई क्रीम। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूँ, ये जो क्रीम है डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए नहीं है, सिर्फ इस एरिया को, अंडर आई एरिया को नरिश करने के लिए है। तो इसका प्राइस है दोस्तों 199 रुपीज़। शेल्फ लाइफ इसकी है 3 ईयर्स एंड क्वांटिटी इसकी है 15 ग्राम। जी हाँ, ओनली 15 ग्राम। तो ये इस तरीके से आती है दोस्तों। एंड जितनी आई क्रीम आती हैं दोस्तों, वो थोड़ी महंगी ही आती हैं, मतलब इतने प्राइस में ये 15 ग्राम क्वांटिटी काफ़ी है। मैंने ओ थ्री की नहीं प्लम की मंगवाई थी, तो वो काफ़ी महंगी थी एंड इतनी ही क्वांटिटी है उसकी। उसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। एंड दोस्तों, ये देखिए, ये इस तरीके से आती है। एंड इसके अलावा दोस्तों, इसके बारे में बात करूँ तो ये ना, इसको हम ओपन करेंगे एंड ये ऐसी जैसे नॉर्मल क्रीम होती है वैसी ही है। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तभी आप इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ऑयली है, या कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है आपकी, तो आप ये क्रीम मत परचेज कीजिए, क्योंकि ये ऑयली है और थोड़ी बहुत ऑयली नहीं है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। मतलब बायोटिक का ना ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो आईज़ एरिया के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर गलती से आपके फेस पे लग गया ना, तो आपको पिंपल ब्रेकआउट हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत ऑयली है दोस्तों। तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन वाली है, अगर आप फिर भी इसको परचेज करना चाहते हैं, तो सिर्फ इसी एरिया में बड़े ध्यान से लगाइए यहाँ पर, ताकि जो आपका अंडर आई एरिया है, जो आपकी आईज़ की पफिनेस है, उसको ये रिमूव करे। फेस पे गलती से भी आपके हाथ ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है दोस्तों। लेकिन जो हमारा ये अंडर आई एरिया होता है ना, उसके लिए ये अच्छी है, क्योंकि ये स्किन, यहाँ की जो स्किन होती है वो थोड़ी ड्राई ही होती है। एंड मॉर्निंग में जो पफिनेस आ जाती है आईज़ पे ना, उसको रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छी है। इस पे लिखा है कि इसको आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड मैं इसको रात को यूज़ करती हूँ जब मैं सोती हूँ। तो जैसे ही मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने आईज पे ये क्रीम अप्लाई करती हूँ। तो इससे क्या है दोस्तों, इससे डार्क सर्कल्स तो नहीं जाते हैं, लेकिन इससे ये फ़ायदा ज़रूर है कि आपका जो ये एरिया है वो ड्राई नहीं रहता, वो बड़े अच्छे से उसको ये नरिश करता है। और बड़ी ही मतलब अच्छी फीलिंग आती है जब आप इसको अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि आईज को बहुत ही रिलैक्स मिलता है। एंड अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने फेस को, जैसे ही आपने ये हाथों पे अपनी क्रीम लगाई है, अपने फेस पे अप्लाई मत कीजिए, सिर्फ इतने ही एरिया में आप इसको अप्लाई कीजिए। एंड हाँ, इसको आप अपने कोहनी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये एरिया, आपका कोहनी वाला एरिया जो है बहुत ड्राई है, तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उस एरिया को ये थोड़ा सा ब्राइटन कर देगी, क्योंकि नरिश तो करती है, साथ में सूथ भी करती है हमारी स्किन को, एंड थोड़ा सा ब्राइटन भी करती है। तो वहाँ पर आप ड्राई एरिया पर लगा सकते हैं इसको, ये उसको अच्छा कर देगी। एंड दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं परचेज़ करने का, तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि इतने प्राइस में आई क्रीम नहीं मिलती है। डार्क सर्कल्स तो इससे नहीं जाएंगे, लेकिन उस एरिया को ये ब्राइटन अप ज़रूर कर देगी, हल्का सा ब्राइटन करेगी एंड नरिश करेगी अच्छे से। तो दोस्तों, मेरे से अगर पूछेंगे आप परचेज़ करने का, तो जी हाँ, आप, मैं रेकमेंड भी करती हूँ एंड मैं इसको रीपरचेज़ करूँगी, जब ये ख़त्म होगी तब रीपरचेज़ करूँगी। एंड अगर डार्क सर्कल्स नहीं रहेंगे तब परचेज़ करूँगी। अगर डार्क सर्कल्स मेरे ऐसे ही रहेंगे, तब तो फिर मुझे ये परचेज़ करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डार्क सर्कल्स के लिए अलग से क्रीम लगाओ एंड नरिश करने के लिए अलग से लगाओ, तो वो कहीं से तुक नहीं बनता। तो सिर्फ और सिर्फ नरिश करने के लिए अगर चाहिए, तो फिर मैं ये क्रीम जरूर से रिपर्चेज करूँगी दोस्तों। एंड आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।